हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्टोम यात्री। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में एक फेमस विख्यात प्राचीन मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, खेरेश्वर धाम के नाम से उसे जानते हैं। और आज मैं उसी खेरेश्वर धाम पे दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ और आप सभी को मैं वहाँ के दर्शन कराऊंगा। श्री खेरेश्वर धाम हरदासपुर, जो कि NH-22 पर बना हुआ है। ये मंदिर का मेन गेट है जो आप देख रहे हैं, अलीगढ़ शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए उनको देखते हैं, चलते हैं अंदर। और अभी हम मंदिर में अंदर की तरफ आ चुके हैं और सामने ये जो गेट देख रहे हैं, इस गेट के उस तरफ ही भगवान शिव का वो अद्भुत मंदिर है। चलिए चल के देखते हैं। यही है भगवान शिव जी का वो प्राचीन मंदिर जिन्हें खेरेश्वर के नाम से जाना जाता है। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु गंगाजल कावड़ यात्रा करते हुए यहाँ जलाभिषेक करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। और आइए मैं भगवान शिव के उस शिवलिंगम रूप के दर्शन आपको कराता हूँ। चलिए अंदर। मंदिर के अंदर आते ही आपकी नज़र मंदिर की छत की तरफ पड़ेगी, जहाँ पर आपको ये वास्तुकला देखने को मिलेगी। यहाँ बहुत ही बारीकी से इतने सुंदर चित्रकारी की हुई है इन दीवारों पर कि जो देखने बनती है। और ये जो आप धातु देख रहे हैं, ये शायद चांदी भी हो सकती है, मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन बहुत ही सुंदर दिख रही है। और यहाँ पर विराजमान है भगवान शिव, और यहाँ शिव के साथ में गणेश जी और भगवान कार्तिकेय भी मौजूद हैं। और यहीं इनके पास पीतल के ये नंदी विराजमान हैं। और ये जो पूरा कुंड है आप देख रहे हैं, ये पीतल का है। और अब मैं मंदिर से बाहर की तरफ आ चुका हूँ। मंदिर के पास ही ये माँ शेरावाली का मंदिर है जहाँ ताला लगा हुआ है। और इससे आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ भगवान भोलेनाथ का एक और मंदिर है जो कि यहाँ विराजमान है। यहाँ इस प्रांगण में आपने जो ये शिव मंदिर देखा, इसका इतिहास द्वापर युग से भी जुड़ा हुआ बताते हैं। कहते हैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ गंगा स्नान करने के लिए रामघाट आए थे। जब वो रामघाट से वापस जा रहे थे मथुरा के लिए, तो उन्होंने यहाँ इस मंदिर में विश्राम करा। विश्राम करने के उपरांत यहाँ शिव जी की पूजा अर्चना भी की, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। और इस प्रांगण में शिव जी के मंदिर के अलावा यहाँ और भी देवताओं के अनेकों मंदिर बने हुए हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।